फ्रेंड्स, मैं शिफा, वेलकम टू फूड स्टोरीज। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी। तो ये घर में आसानी से कैसे बनाए वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चॉकलेट ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करना है, जिसके लिए हम डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर पतीले में पानी लिया है, हम इस पर दूसरा पतीला रखेंगे। पतीले में अब हम डालेंगे आधा कप डार्क चॉकलेट और इसे हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इस बटर डालेंगे आधा कप। यहाँ पर मैंने बटर मेल्ट करके लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर बाउल लिया है, हमने जो चॉकलेट और बटर एक साथ मेल्ट किया था वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इस पर छन्नी रखेंगे, फिर डालेंगे एक कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर। मैंने यहाँ पर डच कोको पाउडर यूज़ की है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसे अब हम छान लेंगे। सारी चीज़ें छान कर लेने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करना है। ये देखिए ऐसे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध हमें थोड़ा करके डालना है। अब हम पूरा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब हम इसे टिन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का टिन लिया है। इसे मैंने ऑयल से ग्रीस करके लिया है और उस पर बटर पेपर लगाया है। अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे। बैटर इसमें डालने के बाद हम इसे सारी तरफ फैला लेंगे। इसे हम टैप करेंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अब हम इस पर ये स्टैंड रखेंगे, फिर हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे प्रीहीट करेंगे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब हम इस पर ये टिन रखेंगे, इसे हम इसे ढक देंगे और इसे अब हम बेक करेंगे 30-35 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। हम इसमें टूथपिक डालेंगे। ये देखिए टूथपिक हमारी क्लीन निकली है, यानी कि हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इसमें ही ठंडा होने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, केक ठंडा होने तक हम चॉकलेट गनाश बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मिल्क चॉकलेट लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम, जिसे मैंने गरम करके लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। मैंने यहाँ पर केक ठंडा होने के बाद इसे निकाल लिया है। अब हम इस पर ये जो चॉकलेट मेल्ट किया है वो हम इस पर डालेंगे। इसे फैला लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे केक पर इसे स्प्रेड करके लिया है। अब हम व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाएंगे डेकोरेशन के लिए।
मैंने यहाँ पर 1/4 कप वाइट चॉकलेट लिया है। अब हम इस पर 2 टीस्पून व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को गरम करके लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे। पाइपिंग बैग में भरने के बाद हम इस पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ होने के बाद हम इस पर टूथपिक से ऐसे डिज़ाइन करेंगे। अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट करके लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पीसेस में कट करके लिया है। चॉकलेट ब्राउनी खाने के लिए रेडी है। थैंक यू।